अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं मुगलाई खीमा पराठा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन। ये देखिए, ये 300 ग्राम से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी मैं इसे एक पैन में डाल दूँगी। तो पैन में पहले मैं लूँगी 1 से 2 चम्मच तेल, और अभी इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तो करीब मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब तेल लिया है, और थोड़ा पैन को गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें खीमा ऐड कर देंगे। तो एक खीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से चम्मच से मिला ले, और इसका जो पानी है खीमे का, इसे अच्छी तरीके से सुखा ले। पूरा पानी सूख जाना चाहिए खीमे का। इसी के साथ मैं इसी में सब मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट, देखिए 1 चम्मच के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, और 1 चम्मच मैं इसके अंदर अब डालूंगी गरम मसाला। अब होममेड गरम मसाला जो हम यूज़ करते हैं, वही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, कोई स्पेशल नहीं है ये। और बस इन सब चीज़ों के साथ इसे अच्छे से मिलाकर इसका पूरा पानी सूख जाए वहाँ तक इसे पका लेना है हमें। और मैं ये इसमें मैंने डाला गरम मैंने इसमें डाला हरी मिर्ची का पेस्ट। आप तीखास भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप तीखा खाते हो तो ज़्यादा हरी मिर्ची का यूज़ कीजिए, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई ज़्यादा तीखा नहीं खाता है, तो मैं हमारे घर के टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ। तो बस इसी तरीके से पूरे मसाले इसमें मिलाते जाए, और इसको पका ले अच्छे से, ताकि खीमा भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए, पक जाए। चलो खीमा यहाँ पक रहा है, तो मैं जब तक के प्याज चॉप कर लेती हूँ। तो अभी मैंने चॉपर लिया है, और देखिए ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। तो बस अभी से कट करके मैं चॉपर में डाल लूँगी, और इसे अच्छे से चॉप करना है हमें, बहुत जाड़ा भी नहीं। जैसे समोसे के लिए हम प्याज को चॉप करते हैं, बस इसी तरीके से। तो अभी ये मैंने चॉपर में डाल दिया है, और अब बस मैं इस तरीके से चॉपर चलाती जाऊँगी। ये नीचे चिपक नहीं रहा है, तो अब बस इसी तरीके से इसे घुमाते जाए, और बस कुछ ही देर में हमारी प्याज एकदम पिसकर रेडी हो जाएगी। देखिए कट गई है पूरी प्याज, बस ऐसे ही चाहिए मुझे। मैं थोड़ा कहीं कहीं टुकड़े हैं, तो थोड़ा सा और इसे घुमा लेती हूँ, ताकि वो जो बड़े पीस है वो भी थोड़े कट जाए। और ये प्याज हो गई है रेडी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और उधर खीमे का पानी भी सूख चुका है, तो ये प्याज मैं उसी के अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो बस ऐसे ही चाहिए, बहुत मोटी मोटी प्याज ना रखे, और बहुत बारीक भी ना रखे। बस यही तरीके का प्याज चाहिए मुझे, परफेक्ट है। अब इसे मैं खीमे में ऐड कर दूंगी। खीमे का अच्छे तरीके से पूरा पानी सूख चुका है, वो एकदम ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। और प्याज के साथ भी इसे हमें 5 से 6 मिनट तक के पकाना है, भूनना है, ताकि प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर, और ये पूरी तरीके से इसके अंदर गल जाए, पक जाए। प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है, प्याज को बहुत ज़्यादा हमें मैश नहीं करना है इसके अंदर। बस जैसे खीमे का बैटर रेडी करते हैं ना, बस ये उसी तरीके का बैटर है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। और देखिए बस ये प्याज का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद में इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा करने के लिए, और फिर मैं इसका पराठे का डो तैयार कर लूँगी। तो ये मैं अभी इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ इसे, और इसे एंड में ही डालें,
इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है पराठे में। और बस इसे अच्छे से मिलाकर अब मैं साइड पर मैंने कोथमीर और पुदीने को कट करके रखा है तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फ्रेश पुदीना और हरा धनिया ले और इन्हें भी इसी के अंदर, ये देखिए तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसे भी एंड में ही डालें, स्टार्टिंग में ना डालें इसे, वरना ये काला पड़ जाएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इसकी जो फ्रेशनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप इसे एंड में डालते हो तो ये बेटर है। अभी गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे तो मैं इसे साइड पे कर दूँगी। अभी देखिए गैस की फ्लेम बंद है, बस अब इसे मैं साइड पे कर देती हूँ और मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है टोटल आधा किलो 500 ग्राम मैदा है, उसमें से शायद 50 ग्राम जितना, हाँ देखिए ये इतना मैंने डस्ट के लिए निकाल लिया है। और बस अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और साथ ही में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तेल। तो तेल सिर्फ हमें 1.5 चम्मच तेल चाहिए, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। तो ये 1.5 चम्मच में इसमें तेल ले रही हूँ ताकि तेल से जो है हमारे पराठे के अंदर एक क्रंची पन आता है और खाने में एकदम करारा और अच्छा लगता है ऑयल डालने से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल डालना है, आप अपने इससे डालें, हिसाब से ऑयल यूज़ करें इसमें। बस अब मैं इसे अच्छे से ऑयल के साथ पहले मिक्स कर रही हूँ और अब इसमें मैं पानी डालकर इसका एक एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम ये वाला एकदम टाइट डो भी नहीं बनाना है हमें। मतलब हमें ऐसा डो बनाना है बीच में, जैसे कि ना ज़्यादा ना कड़क रहे ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे, देखिए बस इसी तरीके का डो बना के रेडी करना है। ये बहुत ना हमारी रोटी के डो से थोड़ा टाइट रहेगा ये डो। अब मैं इसे 10 मिनट साइड पर रख देती हूँ। और इसके लिए देखिए ये मैंने 6 अंडे लिए हैं, 6 अंडे हैं तो ये भी हमें पराठे के अंदर इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं आप लोगों के, वैसे तो मैं एक साथ ही सभी अंडे फोड़ लेती हूँ, 3-4 अंडे एक साथ एक बाउल में, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा तोड़ूँगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये एक अंडा मैं अभी तोड़ रही हूँ और इसमें सिर्फ पिंच नमक डालेंगे, एकदम पिंच अच्छा हल्का सा ताकि अंडा फीका ना लगे। ये देखिए मैंने एकदम थोड़ा नमक लिया है। बस अब इसको ऐसे डाल के इसे अच्छे से फेंट लूँगी मैं अंडे को ताकि इसके अंदर नमक अच्छे से मिल जाए, घुल जाए। और बस इसे साइड पे रखते हैं और हमने जो डो रेडी किया है उसे चेक कर लेती हूँ मैं अभी। तो देखती हूँ डो के, देखिए ये डो है, 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से और थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हाथ से जैसे एक दो बार इसे इस तरीके से मसल ले और बस ये डो रेडी है। तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने पानी लिया है एक प्याले में और ये पानी को साइड पे कर दिया। और अब ये यहाँ पर मैंने लिया है एक आटे का लोई ली है मैंने, देखिए बस इस तरीके से आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हो। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो मैं तो आपसे कहूँगी कि छोटा ही बनाएं ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो, आसानी हो। तो मैं तो ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, मीडियम बनाती हूँ और ये मेरे घर में सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मेरे हाथ के ये खीमा पराठा, हमारे घर में सभी को पसंद आते हैं। तो बस इस तरीके से इसकी एक रोटी बना ले। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल शेप देना है या स्क्वायर बनाना है या ट्रायंगल बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप अपने हिसाब से ऐसे रोटी, कहीं से अगर ये लंब रोटी भी अगर बन रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका शेप आ जाएगा। ये देखिए जैसे मैं बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली नहीं, हमारी घर की रोटी जो होती है उसे थोड़ी से आप मोटी रखें, बस इस तरीके से। ये देखिए तो इस तरीके से मैंने लंब गोल शेप में मैंने इसको बनाया है। अब मैं इसके अंदर कीमे का बैटर रख दूँगी। तो ये देखिए पूरी तरीके से, और साइड पे किनारी अगर थोड़ी आपको लग रही है ठीक है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आप इसे ऊपर जब फोल्ड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पतली होकर फोल्ड कर सकते हो इसको। तो अभी मैं इसे
स्क्वायर शेप के अंदर इस तरीके से देखिए हाथ से फैला दूंगी इस तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको फैलाना है, ये देखिए इस तरीके से। बस अब इसके अंदर मैं आधा अंडे का यूज़ करना है, एक पराठे में, एक अंडे में दो पराठे बना के आप रेडी कर सकते हो। तो इसमें से मैं अभी आधा इसमें डाल दूंगी और आधा अंडा टेंशन ना ले, ये साइड पे चला गया तो आप इसे इस तरीके से ये देखिए एडजस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए ठीक है। अब इसके किनारों पे ना पानी लगाना है हमें। अब मैं यहाँ पे किनारों से ना पानी लगा लूँगी। ये देखिए इसको जो आटा है इसको भिगो देना है पूरी तरीके से, मतलब बहुत भी नहीं, हल्के हाथों से पानी लगाते जाए बस इस तरीके से। और इसे ना खींचे आप अपनी तरफ इसे इस तरीके से। हाँ ये देखिए जो मैदा है ना ये लमता है, ये देखिए बस इस तरीके से, ताकि ये पराठा इसमें कवर हो जाए अच्छे से। ये देखिए अब ये ऊपर वाली जो साइड है इसको भी इस तरीके से आप खींचे ताकि ये इसको ऊपर से भी कवर कर ले। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली ये घर में बनकर रेडी हो जाता है। और मुंबई और सूरत का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए इस पराठे को, और रमज़ान में काफ़ी महंगा भी हो जाता है। ये देखिए बस ये देखिए हो गया पूरा कवर। यदि मैंने कहा था ना अगर जो साइड के किनारे अगर आपको लग रहे हैं कि वो थोड़े मोटे रह गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरीके से हाथ से ना आप इसे पतला कर सकते हो पानी लगा के। ये देखिए माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और यहाँ मैंने साइड में ना तेल भी गर्म करने रख दिया था ताकि, और इसको ना आप ऐसे बनाकर साइड पे नहीं रख सकते क्योंकि ये ना नीचे पूरा अंडा लगा हुआ रहता है और मैदा पूरा अंडे के इसमें गीला हो जाता है और वो फटने लगता है। तो फौरन इसे आप गर्म तेल में डाल दे। ये देखिए तेल यहाँ गर्म हो चुका है, अभी मैं इसे तेल में और इसे डीप फ्राई करते हैं। ये देखिए अब बस मैं इसे तेल में डाल दूँगी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए अभी इसे एक साइड से एक से दो मिनट तक ज़रा पकने दूंगी मैं, उसके बाद इसे टर्न करूंगी। फ़ौरन टर्न ना करें वरना ये फट सकता है, तो इसे पीछे से थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाने दें, एकदम हल्का सा कलर इस पर अगर आ जाए, इसकी स्किन आपको लगे कि हाँ ये नीचे से पक चुका है, तो बस इस तरीके से एकदम आराम से ये देखिए बस इसी तरीके से अब दूसरी तरफ से भी इसी ऐसे ही पका लेंगे। और अलट इधर उधर पलटा के इसको दोनों तीनों चारों साइड से इसे अच्छे से पका लेंगे, ब्राउन कर लेंगे एकदम डार्क ब्राउन। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर, और इसे पकने देंगे अच्छे से। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और इसके साथ स्पेशल जो चटनी होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए जार में मैंने चार लहसुन की कलियाँ ली है, तीन हरी मिर्चें ली है, और साथ ही में मैं लूँगी पुदीना। तो ये देखिए ये मैंने एक मुट्ठी पुदीना लिया है। अब मैं एक मुट्ठी ले लूँगी हरा धनिया, और इन सबको ये देखिए ये हरा धनिया लिया है मैंने, बस अब इसे मिक्सी में डाल के मैं ना पीस लूँगी अच्छे से, इसका एक बारीक पेस्ट बना लेना है। ये नमक मैंने डाल दिया इसके अंदर, आप अगर चाहो तो इसके अंदर आधा नींबू भी ऐड कर सकते हो, नींबू से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलो पीस लेते हैं इसे। अब ये मैं ये देखो ये मैंने पीस ली है चटनी, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है। और ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग इस चटनी के साथ ये वाला पराठा। अब देखिए अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से भी पूरी तरीके से ये पक चुका है, अंडा भी अंदर पक चुका है, और ये जो हमने ऊपर मैदे की ये बनाई है जो रोटी वो भी ऊपर से पूरी पक चुकी है, अंदर से भी पक चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी, बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे पकड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, आपको दिख रहा होगा धुआँ निकल रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह, और अब मैं आपको इसे चटनी के साथ निकाल के दिखाती हूँ। तो भाई अब 26वें रोज़े को आप भी बनाएं और मज़ा लें इस पराठे का, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और मेरे घर में तो सबका फेवरेट है।
और इंशाल्लाह आप भी अगर बनाओगे तो आप लोगों का भी ये फेवरेट हो जाएगा। ये देखिए लग रहा है ना एकदम बाज़ार के जैसा, और ये ऊपर से एकदम करारा और अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ये खाने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ कि इसको किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं एक ही बार में बनाकर। तो ठीक है, तो देखिए मैंने ये सारे पराठे बना के रेडी कर लिए, लेकिन इन्हें मैंने सेलो फ्राई किया है। ये देखिए इसे ज़्यादा फ्राई ना करें, बस इस तरीके से फ्राई करके आप एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक पॉलीथीन के अंदर भी इसे फ्रिज में रख सकते हो या फ्रीज़र में भी रख सकते हो। तो ये इसको इस तरीके से आप यूज़ अगले दिन दो दिन बाद भी यूज़ कर सकते हो।